everyone and welcome to Dune Officers Academy. Today we will do a new topic that is adjective. Hum again isme classification padhenge as well as we will learn about certain rules that is related to adjective. But before starting, ek baar main aapko wapas yaad dilana chahungi that every Monday we are starting our fresh batches. Isme aapko RAMC, aapke RMS exam, Sainik School, NDA, FCAT, CDS in sab ke liye hum aapko prepare karwayenge. क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो है वो लिमिटेड है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इनरोल करवाइए. इनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, एज वेल एज कोई भी फर्दर डिटेल्स आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड ऑल्सो यू कैन रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी. राइट, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज एडजेक्टिव. राइट, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? नाउन हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोनाउन कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर डूइंग एडजेक्टिव. राइट, तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप क्योंकि पहले के वीडियोस देख रहे हो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स अगेन. अब एडजेक्टिव करते क्या है ना? एडजेक्टिव जब हम अभी हम क्या करें, वी आर डूइंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइट, नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, तो एडजेक्टिव आप कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? तो एडजेक्टिव जो होते हैं वो आपके किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? नाउन को, राइट, नाउन को या तो डिस्क्राइब करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए. अब देखो आपका नाउन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है? बिकॉज बहुत सारी चीजें आपके नाउन से रिलेटेड है. जैसे कि नाउन के बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा, भाई प्रोनाउन हम किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं? नाउन की जगह ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं. राइट, सिमिलरली एडजेक्टिव हम किस से रिलेटेड है? ये नाउन से. नाउन को अगर हमें मॉडिफाई करना है, डिस्क्राइब करना है, इनहांस करना है, राइट, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वी यूज एडजेक्टिव विद दैट. सिमिलरली वर्ब, कोई भी एक सेंटेंस में वो नाउन या वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है ये कौन बताता है? वर्ब बताता है ना. वर्ब के साथ हमेशा हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं, एक्शन, है ना. तो वो एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. सब्जेक्ट क्या है? नाउन होता है. राइट, यूजुअली आपका सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन ही तो होता है. तो बहुत सारी चीजें आपकी नाउन से रिलेटेड है, इसीलिए कोई भी वीडियो मिस मत करो. क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी डिटेल जो है वीडियोस में कवर कराई जाती हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम वो सारी चीजें जो है वापस हम क्या करेंगे, रिवाइज नहीं करते. या मोरओवर उस बारे में मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ क्योंकि आप पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो वो क्या है आपके लिए आसान हो जाता है समझना. राइट, तो हम एडजेक्टिव कहाँ पे यूज कर रहे हैं? वी यूज एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब या फिर टू मॉडिफाई व्हाट? नाउन. जब हमें नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करना है, इनहांस करना है, ठीक है. अगर मैं बोलती हूँ शी इज अ गर्ल, अब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? खैर वैसे तो सेंटेंस में शी आ गया तो इट्स प्रीटी मच अंडरस्टूड किस फीमेल की बात कर रही हूँ मैं. अब मैं बोल रही हूँ कि भाई मुझे ये जो आपका नाउन है इसको मुझे मॉडिफाई करना है, भाई इनहांस करना है. राइट, तो मैं क्या यूज करूंगी? एक मैं इसमें एक वर्ड और ऐड कर देती हूँ. अगर शी इज, इफ आई से शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, भाई बहुत सुंदर बच्ची है कोई, है ना. तो यहाँ पे टू इनहांस और टू डिस्क्राइब या फिर टू मॉडिफाई द नाउन विच इज हेयर इट इज गर्ल, इसको मुझे क्या मॉडिफाई करने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया विच इज वर्ड ब्यूटिफुल, भाई सुंदर, है ना, यही तो मैंने वर्ड यूज किया. तो ये वर्ड क्या कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना, उसको इनहांस कर रहा है, भाई कैसे लड़की है, भाई सुंदर लड़की है, है ना. तो यही चीज तो मैं बता रही हूँ. तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट, दे ऐड टू इट्स ब्यूटी, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, एक का मॉडिफाई इनहांस कर रहे हैं. राइट, तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हो? एडजेक्टिव बोलते हो. क्लियर है? अब जब हमें पता चल गया कि भाई आपके एडजेक्टिव होते क्या है, तो नाउ वी विल लर्न अबाउट सर्टेन क्लासिफिकेशन, है ना. कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एडजेक्टिव्स होते हैं? पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव, अब मैं इसीलिए आपको हमेशा बोलती हूँ जो भी आपकी पिछली वीडियोस आपको ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आप देखिए. क्यों देखिए? क्योंकि वहां पे जो भी टर्म्स आए हैं वो हम पहले ही क्या कर चुके, एक्सप्लेनेशन उसका हो चुका है. तो इसीलिए मैं आपको बार बार वो चीज नहीं समझाऊंगी.
प्रॉपर नाउन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो किसको डिस्क्राइब या मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर नाउन को, क्लियर? ऐसे कोई भी एडजेक्टिव वो जो आपको क्या है, प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे ही इज एन अमेरिकन मैन, ही इज अमेरिकन मैन, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको क्या बोल रहा है, ही इज एन अमेरिकन मैन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या था, अमेरिका। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई कंट्री की कंट्री, कंट्री तो क्या है आपका एक कॉमन नाउन है भाई। हमने बोला कि ऐसे कोई भी जगह जिसके वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, जहाँ पे आपका एक हेड है राइट, उस पर्टिकुलर नेशन का, उसको हमने कंट्री नाम दे दिया। अब कौन सी कंट्री मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रही हूँ, अमेरिका। तो मैंने अमेरिका की जगह पे एक वर्ड यूज किया राइट, दैट इज अमेरिकन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज अ एडजेक्टिव। ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो आपके प्रॉपर नाउन की जगह राइट, या फिर आपके प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, या तो क्या है, या तो प्रॉपर नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रॉपर नाउन से ही बने थे। यहाँ पे अमेरिकन जो है वो किससे बना है, अमेरिका से, एंड अमेरिका इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, भाई उस ऐसे लोग जो अमेरिका को बिलोंग करते हैं, जिनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, उनको मैंने क्या बोल दिया, अमेरिकन। सिमिलरली इंडिया की अगर बात करें तो जो क्या है, इंडिया को बिलोंग करते हैं वो क्या है, इंडियन। इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, तो उसके उसको मॉडिफाई हमने कैसे किया, इंडियन, ठीक है। तो हम प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो आपके प्रॉपर नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं या फिर आपके प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, क्लियर है। अब दूसरे टाइप की अगर हम बात करें, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब पोजेसिव का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, ओनरशिप दिखाता है, अथॉरिटी दिखाता है ना, ये भी बात तो आपको बोली गई है। ऐसे कोई भी आपके एडजेक्टिव जो क्या है, पोजेशन दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माय पेन, ठीक है। अब कैसे पता चला कि भाई ये मेरा पेन है, जब मैंने एक वर्ड माय पढ़ा तब मुझे समझ आया ना कि भाई पेन किसका है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। जो कोई भी अगर पर्सन है जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोला, उससे मुझे समझ आया कि ये पेन बिलोंग किसको करता है। तो ये हमें किससे पता चला, माय वर्ड से, है ना। और यहाँ पे माय किसके लिए इस्तेमाल किया गया, नाउन के लिए। यही चीज तो हम बोल रहे हैं कि आप एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है, नाउन को। यहाँ पे पेन किसका पेन, पोजिशन दिखा रहा है ना, माय, है ना, माय पेन राइट। तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो आपके पोजिशन दिखाते हो, है ना, ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो आपके ओनरशिप दिखाते हैं, वो एडजेक्टिव क्या बोलते हैं आप उसे, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्लियर है इतना राइट। अब नेक्स्ट टाइप का एडजेक्टिव पढ़ते हैं हम। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन चल रहा है, उसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे राइट। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो आपको ये नहीं समझ आएगा हम किस टाइप के एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं और वो रूल किस एडजेक्टिव के लिए अप्लाई होता है। तो जरूरी है कि कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए राइट। तीसरा है आपका इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आपको इंटेरोगेशन का मतलब पता होना चाहिए, है ना। इंटेरोगेट करने का मतलब होता है पूछताछ करना राइट। तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो आपके क्या कर रहे होंगे, जिसमें क्वेश्चन आते हैं राइट। ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जिसमें आपको क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है इसीलिए क्वेश्चन फॉर्म है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर स्कूल नेम, अगर मैं बोलती हूँ भाई आपके स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, तो मैं इंटेरोगेट कर रही हूँ, पूछताछ कर रही हूँ मैं राइट। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया व्हाट, ठीक है। ऐसे कोई भी एडजेक्टिव राइट जिसमें आप क्या कर रही हो, वी आर इंटेरोगेटिंग समथिंग, जिसमें क्या आपका क्लियरली समझ आ रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर वर्ड से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट हो गया, व्हिच हो गया, हाउ हो गया, ये सब क्या है, अगर ये किसी पर्टिकुलर, अब स्कूल का नाम पूछ रही हूँ ना मैं
राइट और आपको नाउन में बताया था नेमिंग वर्ड्स. तो जब मैं स्कूल का नाम पूछ रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये पर्टिकुलर जो वर्ड जो मैंने यूज किया है, इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव मैंने क्या डिस्क्राइब करने के लिए या किसके लिए पूछा है. मैंने एक नाउन के लिए तो पूछा है और यही चीज तो आपको बार बार बताई जा रही है कि हम एडजेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए. तो यहाँ पे वर्ड क्या है, इट इज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. व्हाट, व्हिच, हाउ हो गया, राइट, हु, हुम, ये सब आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे अगर ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं, नाउन के लिए. क्लियर. अब इंटेरोगेटिव हो गया आपका, इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स तो आपके बोलते हैं ना कि भाई आपकी इस पर्टिकुलर फिजिक्स हो गया, आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, फॉर एग्जाम्पल मोशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं, राइट. तो न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है, नंबर से. तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपके क्या बताते हैं, बेसिकली जो ऐसे एडजेक्टिव जिसमें क्या है, नंबर आते हो, ठीक है. ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जिसमें क्या है, नंबर आते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फाइव ऑफ माई बुक्स, फाइव ऑफ माई बुक्स आर लॉस्ट. अगर मैं बोलती हूँ फाइव ऑफ माई बुक्स आर लॉस्ट, भाई मेरी पांच किताबें जो है वो खो चुकी हैं, राइट. अब नंबर फाइव, ठीक है. लेकिन ये मैंने फाइव किसके लिए इस्तेमाल किया, नाउन के लिए. बुक्स इज अ नाउन, भाई ऐसी कोई भी चीज है जिसमें आपके बहुत सारी चीजें क्या होती है, डिस्क्राइब की हुई होती है, लिखी हुई होती है, राइट, जिसमें आपको नॉलेज मिलता है, पेपर्स कंपाइल कर रखे होते हैं. तो ऐसे हमने एक उस चीज को नाम दे दिया, नेमिंग वर्ड्स को ही तो हम नाउन बोलते हैं. तो फाइव यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, फॉर अ नाउन बुक्स, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे फाइव बेसिकली क्या बता रहा है आपको, नंबर बता रहा है. लेकिन किसका नंबर बता रहा है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, नाउन के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. तो इसीलिए ऐसे टाइप के जो भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जो आपको नंबर बता रहे हैं, फाइव, फोर, वन, टू, ये सब आपके क्या है, नंबर्स बता रहे हैं. तो ऐसे कोई भी एडजेक्टिव्स जो आपके नंबर्स बताते हो, डिस्क्राइब नंबर कर रहे हैं, लेकिन किसका डिस्क्राइब करेंगे, नाउन के, है ना. तो ऐसे आपके एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, राइट. आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं. नेक्स्ट टाइप आपका होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है. अगर मैं क्वालिटेटिव बोलूं, इफ आई से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, कई बार आप सामान लेने जाते हो, है ना, आप बोलते हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, है ना, खराब क्वालिटी है ना. तो कोई भी ऐसे एडजेक्टिव जो आपको क्वालिटी बता रहे हो, विशेषता बता रहे हो आप किसी चीज की, है ना. जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. अब कई बार आप बोलते हो ना कि इट्स अ अगली मैट. इफ आई से इट इज अ अगली मैट, भाई बहुत ही बेकार दरी है या बहुत ही बेकार आपकी चटाई है ना, क्या पता क्या हुआ उसमें, कुछ गिर गया या वैसी खराब हो गई है. तो इट इज एन अगली मैट, सॉरी, इट इज एन अगली मैट. या फिर मैं बोलती हूँ शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ठीक है. इफ आई से शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, राइट, तो ब्यूटिफुल हो गया, अगली हो गई, ये आपके क्या बता रहे, क्वालिटी बता रहे हैं, है ना, विशेषता बता रहे हैं. किसकी, नाउन की. मैट क्या है, इट्स अ नाउन, गर्ल इज अ नाउन, है ना. तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपकी क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्लियर. फिर आपका आता है क्वालिटी, पढ़ ली, क्वांटिटी भी पढ़ेंगे ना हम. तो क्वांटिटेटिव आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं आपके, दे टेल यू अबाउट द क्वांटिटी. इसके साथ एक वर्ड आप याद रखेंगे, हाउ मच, रिमेंबर अ वर्ड हाउ मच, ठीक है, आपकी क्वांटिटी बता रहा है कितना.
ठीक है। अब जैसे आपके कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपकी क्वांटिटी बताते हैं, कौन कौन से वर्ड होंगे ऐसे? फॉर एग्जाम्पल सम, मैनी, राइट, सेवरल, लिटिल, एनी, है ना। ये सब आपके क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं, या तो बहुत सारे होंगे, बहुत कम होंगे, कुछ नहीं होंगे, है ना। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, कुछ होते हैं ना बड़े प्रसिद्ध से होते हैं, राइट, दे आर वेरी फेमस, हर कोई उनका दोस्त बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ आई हैव मेनी फ्रेंड्स, तो ये आपकी क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, भाई मेरे बहुत सारे दोस्त है ना, क्वांटिटी बता रहा है, हाउ मच, मेनी, है ना। तो ऐसे कोई भी आपके एडजेक्टिव जो आपके क्या बता रहे, क्वांटिटी बता रहे, हाउ मच, ठीक है। एक वर्ड याद रखना क्वांटिटेटिव के साथ, हाउ मच, ठीक है। मात्रा अगर आपको कोई चीज बता रही है, भाई किस कितनी मात्रा में, बहुत सारे है, कम है, लिटिल, मेनी, सम, तो ऐसे कोई भी आपके एडजेक्टिव्स जो आपको क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, हाउ मच, ठीक है। ऐसे एडजेक्टिव जो आपकी क्वांटिटी बताएंगे, लेकिन किसकी क्वांटिटी बताएंगे, वो नाउन की, है ना। हाउ मच फ्रेंड्स, ठीक है, हाउ मच मेनी यूज किया ना, तो मेनी, हाउ मच, ठीक है, क्वांटिटी बता रहे हैं ना मेनी। फ्रेंड्स इज व्हाट, इट्स अ नाउन, ठीक है। तो आपके जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपकी क्वांटिटी बताते हैं, दे टेल यू हाउ मच, राइट, अमाउंट बताते हैं वो आपको, क्लियर। इसके बाद आपका आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपको पहले भी एक वर्ड आया था डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जो कुछ चीज क्या कर रहे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे, राइट। फॉर एग्जाम्पल दैट इज माई बुक, ठीक है, दैट इज माई बुक। दैट क्या बता रहा है कि भाई पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग इज टू पॉइंट आउट समथिंग, है ना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है? कुछ चीज पॉइंट आउट करना, ठीक है। कई बार आपके एग्जीबिशन होते हैं ना, तो आप बोलते हो ना कि भाई आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे, ये मॉडल आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं? बेसिकली वो क्या आपका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? नाउन का, है ना। एडजेक्टिव में हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई वो नाउन को ही डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है, राइट। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? आपके नाउन को उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, दिस, दैट, राइट। ये सब आपके क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्लियर। अब एक जो लास्ट क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव का, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। जब भी आपके फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शन हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, या फिर आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया, जैसे प्रोग्राम खत्म होता है आपको स्वीट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका क्या करता है? अब बहुत सारे लोगों में से एक एक कोई तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ना, वो बहुत सारे लोगों में से, जब एक के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, हर एक को वो इंडिविजुअली बता रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। जैसे कि आपका ईच हो गया, या फिर एवरी हो गया, ईदर, नीदर, ठीक है, राइट। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब आपकी क्या बता रहे हैं? सॉरी, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? बहुत सारों में से एक एक के इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ एवरी बॉय इन द क्लास इज डिसिप्लिंड, भाई हर एक बच्चा जो है बहुत डिसिप्लिंड है, ठीक है। तो मैं हर किसी की बात कर रही हूँ, सारे बच्चे की तो बात कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी हर एक की बात कर रही हूँ कि भाई हर एक बच्चा जो है वो क्या है? बहुत डिसिप्लिंड है, वेल डिसिप्लिंड क्लास है ये, जिसमें से हर एक बच्चे जो है, या हर एक लड़के क्या है, बहुत अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की तो बात की, उसमें भी मैंने हर एक एक की बात कर दी,
है ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे एडजेक्टिव जो आपके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट, मतलब बहुत सारे लोगों में से जब वो क्या करें, हर एक एक की बात करते हैं, तब आप क्या यूज करते हो, सॉरी, तब वो कौन से होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। टोटल देर आर 8 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, पोजेसिव हो गया, प्रॉपर हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, फिर देन वी हैव लर्न अबाउट इंटरोगेटिव एंड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब एक और चीज आपको एडजेक्टिव के बारे में पता होनी चाहिए, दैट इज द डिग्री, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो होती है वो आप जब कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आप कंपेयर करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिग्री, तीन टाइप की आपकी डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव, ठीक है। अब जब एडजेक्टिव की डिग्री की बात करती हूं मैं, तो देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जब मैं यूज करूंगी, मतलब मैं उसमें कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, है ना, बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहे करो, राइट, यू शुड एक्सरसाइज पॉजिटिव थॉट्स, है ना, ये जो तुम मोह माया ये सब छोड़ दो, एक दूसरे के जो आप कंपेयर करते रहते हो मत किया करो, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मतलब जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरेटिव, भाई नाम से ही समझ आ गया कि भाई कंपेयर करना है, लेकिन जब मैं सिर्फ दो चीजों को कंपेयर कर रही हूँ, व्हेन आई एम कंपेयरिंग टू थिंग्स, तब मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज करती हूँ। सुपरलेटिव का मतलब होता है भाई कोई चीज का बेस्ट फॉर्म, भाई सबसे अच्छा अगर कोई है वो है सुपरलेटिव, है ना, कि भाई मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, राइट। जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल, गुड, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ शी इज गुड इन एकेडमिक्स, ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया, गुड एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। अब कंपैरेटिव दो लोगों के बीच में अगर मैं बोल रहा हूँ शी इज बेटर देन हर फ्रेंड प्रिया, ठीक है, शी इज बेटर देन हर फ्रेंड प्रिया, फिर सुपरलेटिव शी इज द बेस्ट इन द क्लास, भाई पूरी क्लास में से सबसे अच्छी कोई बच्ची है तो वो यही लड़की है, ठीक है। कोई भी चीज का जो हाईएस्ट फॉर्म बता रहा है, किसी भी चीज का अगर कोई क्या हाईएस्ट फॉर्म बता रहा है, राइट, उसका सबसे टॉप मोस्ट फॉर्म बता रहा है, राइट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। सिमिलरली और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, राइट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है, तो ये भी आपके क्या है। अब जब मैं एक किसी जब बिना कंपेयर किए मैं एक प्लेन स्टेटमेंट बोलती हूँ, तो उसमें हैप्पी यूज करूंगी, लेकिन जब मैं कंपेयर कर रही हूँ दो लोगों के उसमें, ठीक है, देयर आई विल यूज हैप्पियर, लेकिन जब मुझे किसी चीज का टॉपमोस्ट फॉर्म बताना है, भाई हाईएस्ट फॉर्म बताना है, देयर आई विल यूज द सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ पे हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, हैप्पीएस्ट। क्लियर है इतना? और एग्जाम्पल, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, राइट। तो जब मैं बिना कंपेयर किए एक प्लेन स्टेटमेंट है, देयर आई विल यूज द पॉजिटिव डिग्री, जब दो या दो लोगों के बीच के दो लोग चीजों के बीच में या दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री, और जब मैं किसी चीज का हाईएस्ट फॉर्म बता रही हूँ, भाई ये ही सबसे बेस्ट है, देन इट इज द सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि एक एग्जाम्पल करते हैं, इफ आई से देहरादून इज अ गुड सिटी,
मैंने देहरादून के बारे में एक प्लेन स्टेटमेंट दे दिया बिना किसी दूसरे सिटी से या बिना किसी दूसरे से कंपेयर किए हुए कि भाई देहरादून जो है इट्स अ गुड सिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ देहरादून इज बेटर देन मुन्नार, अब प्लीज ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कोई इट्स नॉट अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, राइट। ये सिर्फ समझाने के लिए बोला है, मैं यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बोली कि भाई मुन्नार जो है वो खराब है या फिर देहरादून बहुत अच्छे है, राइट, जस्ट अ कंपैरेटिव डिग्री समझाने के लिए। सो देहरादून इज बेटर देन मुन्नार, भाई देहरादून मुन्नार से बेहतर है, कंपेयर कर रही हूँ मैं, लेकिन सिर्फ दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए मैंने जो एडजेक्टिव की सेकेंड डिग्री या फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज की गई है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, देन टी एच ए एन का यूज किया जाता है, टी एच ए एन इज यूज फॉर कंपेरिजन, टी एच ई एन जो है वो आपका सीक्वेंस बताता है भाई इसके बाद ये हुआ, ठीक है, इसके बाद ये चीज हो गई, राइट, उसमें मैं देन का इस्तेमाल करूंगी, राइट। अब मुझे इसी का क्या बनाना है, सुपरलेटिव फॉर्म बनाना होगा, देहरादून इज द बेस्ट सिटी ऑफ उत्तराखंड। अगर मैं बोलती हूँ कि भाई देहरादून उत्तराखंड की सबसे बेस्ट सिटी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या बता रही हूँ कि भाई हाईएस्ट फॉर्म बता रही हूँ मैं किसी चीज का, राइट, कि भाई देहरादून जो है वो सबसे ऊपर रखा मैंने उसको, बाकी दूसरी सिटी भी अच्छी होगी लेकिन देहरादून सबसे अच्छी है, राइट। तो व्हेन आई हैव टू टेल द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समथिंग, यहाँ पे देहरादून के मैं क्या बोलता रही हूँ, यहाँ इन द फर्स्ट स्टेटमेंट कोई कंपैरिजन नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला कि भाई ये इसकी हाईएस्ट फॉर्म है, इससे बेहतर उत्तराखंड में कोई सिटी नहीं है, देहरादून सबसे बेस्ट है ना। बोलते हो ना ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, है ना, सबके लिए अपना देश सबसे प्यारा है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जब आप कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे हो, राइट, देन यू विल यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन अगर आप दो चीजों के बीच में कंपेरिजन दे रहे हो, ठीक है, अब कई बार ना आपको इसी टाइप में एरर आते हैं, राइट, किया तो आपका दो चीजों के बीच में कंपेरिजन किया है। अच्छा वन मोर थिंग, जब आपका कोई भी सुपरलेटिव फॉर्म यूज कर लिया है बेस्ट, तो उसके साथ आप मोर बेस्ट या मोस्ट ये सब वर्ड नहीं लगाओगे, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी देहरादून इज द मोस्ट बेस्ट, गलत, सुपरलेटिव फॉर्म में आप कभी भी ये नहीं यूज करोगे, ठीक है, मोस्ट या मोर का आप सुपरलेटिव के साथ इस्तेमाल नहीं करते हो। कई बार आपको एरर में यही चीज दे दी जाती है कि सुपरलेटिव फॉर्म के साथ मोस्ट या मोर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आपको सुपरलेटिव फॉर्म जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होनी चाहिए वहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म दे रखा है ना। तो वंस यू नो द यूसेज ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, तो आप उसको वैसे ही अप्लाई कर सकते हो, एरर आप वैसे ही डिटेक्ट कर सकते हो, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द एडजेक्टिव, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद वी विल लर्न अबाउट सर्टेन रूल्स रिलेटेड टू द एडजेक्टिव एज वेल एज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, राइट, ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके आरएएमसी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, बट इसी पैटर्न में या इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। द मोर यू प्रैक्टिस उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा आपकी स्कोर अच्छी कर सकते हो आप, क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडजेक्टिव्स क्लासिफिकेशन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री पढ़ा है, इसके बाद वी विल लर्न अबाउट रूल्स, राइट। सो बिफोर लीविंग एक बार मैं आपको वापस बताना चाहूंगी, दून ऑफिसर्स एकेडमी इज स्टार्टिंग देयर ऑफलाइन क्लासेस, हर मंडे हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो इफ यू वांट टू इनरोल, रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनरोलमेंट आप कराइए, राइट। आपके जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है उन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, राइट। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड डे टू यू ऑल।